हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक कप बेसन से बहुत ही टेस्टी नाश्ता जो कि 5 मिनट में बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल में हमने यहाँ पे लिया है 1 कप बेसन, और अब हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटी हुई प्याज और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आप ज़्यादा कम जैसे खाते हैं तो कम ज़्यादा डाल सकते हैं अपने हिसाब से। थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, आधी छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और आधे छोटे चम्मच हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो आप तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे साबुत जीरा और नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। तो मैं यहाँ पे 1 छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो जिस कप से यहाँ पे हमने बेसन लिया है 1 कप, उसी कप से मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है। तो चलिए इसको घोल को बनाते हैं और देखते जाएंगे कि हमें कितने पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। एकदम से एक बार में पानी ज़्यादा ना डालें वरना गुठलियाँ पड़ जाएंगी बहुत सारी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिलाएंगे तो अच्छा सा बिल्कुल स्मूथ बैटर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे 1 कप पूरा पानी डाल दिया है मैंने और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस इतने ही पानी की ज़रूरत है, 1 कप बेसन के लिए 1 कप पानी बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लिया है और ये देखिए, ये बैटर जो है बहुत ही बढ़िया एकदम स्मूथ सा बन के तैयार है, कोई भी गुठली नहीं है इसमें। तो अब हम चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस में। तो अब हमें क्या करना है कि एक तवा हम रखेंगे गैस पे और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, फिर 1 चम्मच तेल डाल के और इसको अच्छे से तवे पे चारों तरफ फैला देंगे। और अब हमने जो ये बेसन वाला बैटर बनाया था इसको एक बड़े कलछी में भर के इस तरीके से डालेंगे। तो कोई भी गहरा इस तरीके का एक स्पून ले लीजिएगा, तो इससे भर के इस तरीके से डालेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया से फैल जाएगा और अपने आप ही अपना शेप ले लेगा। तो ये देखिए, इसको एक बड़े चम्मच मतलब बड़े कलछी से मैंने भर के एक कलछी डाला है और ये देखिए फैल गया चारों तरफ अच्छे से। अब इसको एक तरफ से थोड़ी देर के लिए सेकने देते हैं। तो बस यहाँ देखिए, ये एक तरफ से अच्छे से सीख गया है। तो अब मैंने इसको पलट दिया है, इस तरीके का चपटे वाला पलटा लेंगे तो उससे पलटने में आसानी रहेगी। अब इसको पलट के और इसको दूसरी तरफ से भी हम ऐसे ही सेक लेंगे अच्छे से। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे, 1 चम्मच तेल फिर से इसके चारों तरफ डाल देंगे तो ये दूसरी साइड से भी बढ़िया क्रिस्पी सीकेगा। तो ये देखिए, ऐसे ना स्पून से दबाते हुए साइडों साइडों से दबाएंगे ना तो ये बहुत ही बढ़िया से किनारे किनारों तक सिक जाएगा। तो ये दूसरी तरफ से भी सिक गया है थोड़ा थोड़ा, तो इसको पलट दिया है। अब दूसरी साइड वाला जो हमने कम सेका है उस तरफ हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा पनीर लेंगे और इसको कद्दूकस करने वाले से कद्दूकस करके इसके ऊपर ऐसे डालेंगे। आप चाहें तो इस रेसिपी को ऐसे ही चीला बना के भी खा सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन जब इस तरीके से ऊपर से इसके पनीर डालेंगे ना, स्टफिंग करके बनाएंगे तो एकदम डोसे वाली फीलिंग आएगी, डोसे जैसा टेस्ट आएगा इसमें। तो ये देखिए, ऊपर से मैंने यहाँ पनीर घिस के डाल दिया है और इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो एक बार इस तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर चीज़ डालेंगे, तो यहाँ पर मैं मोजरेला चीज़ डाल रही हूँ, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। आपके पास जो भी चीज़ है वो डाल सकते हैं या चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हैं इसमें। तो थोड़ा सा इसमें चीज हम डाल देंगे। अब दूसरी साइड से इसको ना आधा जो है उसको हम ऐसे मोड़ के पलट देंगे। तो ये देखिए, ऐसे पलट देंगे तो ये दोनों तरफ से कवर हो गया और ये बहुत ही बढ़िया स्टफिंग वाला चीला बन के रेडी हो गया। तो अभी बस थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए और इसको सेक लेंगे दोनों तरफ से अलट पलट के, ताकि इसके अंदर जो हमने चीज़ डाला है ना वो भी मेल्ट हो जाए अच्छे से। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों तरफ से सेक दिया और ये देखिए चीज़ अच्छे से इसका मेल्ट होने लग गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे तवे से बाहर। ये देखिए कितना सुपर डिलीशियस टेस्टी एकदम बढ़िया सा डोसा बन के, मतलब डोसा नहीं, बहुत ही अच्छा सा नाश्ता बन के तैयार है बेसन का। और डोसे जैसी फीलिंग करी हमने तो इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आपको जब भी कुछ हल्का फुल्का टेस्टी सा खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर पनीर भरा होने की वजह से बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। आप इस रेसिपी को बना के बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। आप जब भी इसे खाएँगे आपको बहुत पसंद आएगा। एक बार से आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। सुबह के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप इस रेसिपी को बना सकते हैं।
तो उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक ऐसी नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।